वीडियो में लाऊंगा अगर इस वीडियो पर 30 लाइक्स आ गए। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी अराउंड यूट्यूब चैनल। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ साइंस बुक कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि और नए वीडियोस बनाए, और ऐसे ही हमारे नए नए वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपन कंजर्वेशन का मीनिंग देखेंगे। उससे पहले आपने कंजर्वेशन का जो मीनिंग पढ़े हैं वो मीनिंग सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखना। तो अपन आगे पढ़ा, उससे पहले अपन कुछ शब्दों के मतलब देख लेते हैं जो इस चैप्टर्स में आने वाले हैं, सच एज बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। अब अपन बढ़ते हैं बायोस्फीयर के। बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। एक पार्ट बायोस्फीयर का मतलब होता है कि अर्थ का कोई भी पार्ट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जी सकते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, ओशंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज फिश आदि है सब। अब अपन बढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ ऊपर। वाइल्ड लाइफ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर भी अपन को एनिमल्स और प्लांट्स पहले से ही नेचुरली मिलते हैं, उसे वाइल्ड लाइफ कहते हैं। जैसे कि वाइल्ड लाइफ में जैसे कि सब चीज़ें आती है वाइल्ड के, जैसे वाइल्ड प्लांट्स, एनिमल्स, लेकिन मेनली यूज होता है वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के लिए। ऊपर बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी वर्ड के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी इसका मीनिंग ये होता है कि एक ही वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पे, पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। ओपन बढ़ते हैं इकोसिस्टम के ऊपर। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक एरिया पर, और एक ही सर्टेन इन्वायरमेंट पर। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब कहीं पर भी कैसे भी मिल जाए जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो इकोसिस्टम कहलाते हैं। अब अपन बढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन ऑफ एंड इट्स कॉजेस। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, जैसे कि पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा चल रही है एट दिस टाइम्स, क्योंकि ह्यूमन की नीड्स ज़्यादा बढ़ रही है और ह्यूमन पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके सब कॉजेज हैं, जैसे कि ऑब्टेन वुड, वुड्स को एज अ फ्यूल के लिए फॉरेस्ट ट्रीज को काटा जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट ट्रीज अपन के पेपर्स बनाने के लिए काम में आते हैं। इन फॉरेस्ट ट्रीज से जैसे कि मतलब उनकी वुड्स से जैसे कि अपने दरवाजे, खिड़कियाँ बनती है। अब जैसे ये सब तो अपन के मैन मेड कॉजेज हो गए, इनमें से कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर एंड सर्फ ड्रॉट्स। अब जो फॉरेस्ट फायर होते हैं उनमें अब जैसे कि ये लगते कैसे, फॉरेस्ट फायर अपन तो अब ये नेचुरली वाला है। नेचुरली वाले में कि जैसे हवाएं चलती है तो फ्रिक्शन पेड़ की ट्रीज के लीव्स के बीच में, उससे तक फ्रिक्शन पैदा होने से हीट एनर्जी पैदा होती है, हीट होने से बर्न आग लग जाती है, तो उसी को अपन फॉरेस्ट फायर कहते हैं नेचुरली। सर्फ ड्रॉप्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बहुत फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से ट्रीज मर जाते हैं, उससे सर्फ ड्रॉट्स होते हैं। अपन बढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन में ये होता है कि जैसे कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज हो जाती है, तो फिर बाद में एक दिन तो ऐसा आएगा जब पूरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा ट्रीज। उसके बाद किसी भी प्लांट्स से किसी भी जानवर को हैबिटेट नहीं मिलेगा उनके रहने के लिए। डिफॉरेस्टेशन ऑफ विल लीड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये होता है जैसे कि अगर अपने से डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट होता गया तो
कुछ समय बाद अपन को जो चीजें चाहिए रहती है, वुड्स की शॉर्टेज होगी सबसे पहले, तो उसके बाद अपन को जो चीजें मिलती है वुड्स से, जैसे कि वैक्स, वुड, हनी गम, रबर, तो ये सब चीजों की शॉर्टेज होगी। अब जो डिफॉरेस्टेशन अब जो डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन है, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अगर अपन ने करते गए डिफॉरेस्टेशन, उसका सीधे सीधे कारण बनता है, अपन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वो प्लांट्स इनहेल करते हैं और उनकी फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं उनका। अगर डिफॉरेस्टेशन बढ़ता गया तो उनके खाना बनना कम होगा, मतलब ट्रीज कम हो जाएंगे, ट्रीज कम होंगे तो खाना कम बनेगा, खाना कम बनेगा उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम यूज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। डिफॉरेस्टेशन विल कॉज एन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफियर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ये बनने अच्छे से समझ लिए हैं आपको? अगर इसके पर कोई भी डाउट हो, इससे ऊपर या इससे नीचे या इस टॉपिक पे, तो कमेंट करें, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। डिफॉरेस्टेशन विल कॉज सॉइल इरोजन, मेकिंग द सॉइल इनफर्टाइल एंड लीड टू डेजर्टिफिकेशन। जो जैसे कि डिफॉरेस्टेशन बढ़ता गया तो उससे प्लांट्स कम हुए, प्लांट्स कम हुए तो जो प्लांट्स के खड़े होते हैं उनकी टॉप सॉइल से ढीली हो जाएगी, तो उससे डेजर्टिफिकेशन होगा। लैंड फर्टाइल होती जाएगी तो डेजर्टिफिकेशन होते जाएगा। डिफॉरेस्टेशन विल कॉज फ्रीक्वेंट फ्लोरिंग ऑफ रिवर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जैसे पेड़ कट गया, उसके अंदर जो अब जैसे पेड़ होते हैं तो बाढ़ के समय पे थोड़ा सा पानी पेड़ भी पी लेते हैं, तो थोड़े से पानी कम हो जाता है अगर ज़्यादा मात्रा में पेड़ होते हैं। फ्लड के भी कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे कि घर बह जाते हैं, क्रॉप जो स्टैंड मतलब नाजुक सी रहती है वो भी बह जाती है, हाउस भी हो जाते हैं, पीपल्स भी जो रिवर्स के पास में रहते हैं उनके घर में पानी भी जाता है तो वो भी बहते हैं। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द वाटर साइकिल लीडिंग टू डिक्रीज इन रेनफॉल। द डिक्रीज इन रेनफॉल लोअर द ग्राउंड वाटर लेवल एंड फूड क्रॉप ड्रॉप। जैसे कि ट्रीज रहेंगे, उनकी जो उनके ग्राउंड में पानी रहेगा वो रूट्स के द्वारा लेंगे, तो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से जो पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो वहाँ पर ही बारिश होगी। अब जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पर बारिश ही नहीं होगी। डिफॉरेस्टेशन लीड टू द एक्सटेंट ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसे कि अपन ने पेड़ काट दिए तो जैसे ट्रीज पे जो बर्ड्स बैठती है वो, उसके अलावा उनका कहीं और घर तो है नहीं, तो वो ह्यूमन के एरिया में आती है और ह्यूमन के द्वारा पकड़ लिया जाती है और फिर भेज देते, तो फिर वहीं पे तो उनका हैबिटेट नहीं मिल पाता, वहीं पे मर जाती है। अपन ने तो पढ़ा, जैसे एक तरफ तो डिफॉरेस्टेशन से बारिश कम होगी और दूसरे हाथ पे फ्लड्स आएंगे। तो अपन बढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की ओर। जैसे अपन ने ऊपर तो पढ़ लिया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अपन यहाँ पर पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। शिकारी अब मैं ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसी हिसाब से शिकारियों की भी संख्या बढ़ रही है। तो जैसे कि एनिमल्स की चमड़ी खाल के लिए वो बस बर्ड्स को मारते हैं, टाइगर्स मेन मेन जो रेयर स्पीशीज है एनिमल्स की उनको मारते जाते हैं, उससे वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। यदि अपन ने अभी कुछ भी नहीं किया है फॉरेस्ट के लिए, तो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो होने वाली है, बहुत कम एनिमल्स बचे हैं उस प्रजाति के, तो वो चली जाएगी। तो अपन को उसके बचाने के लिए नेचर में बैलेंस, बिना किसी की भी इजाज़त के अपन को कहीं से भी पेड़ नहीं कटने देंगे, जिससे कि जो बर्ड्स के घर होंगे वो ख़त्म नहीं होंगे, तो बर्ड्स अपने शहरों की ओर नहीं बढ़ेगी। अपन के घर को बचा कैसे सकते हैं बर्ड्स के और एनिमल्स के? तो अपन उसके लिए कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनवा सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को अपन जाके उनकी देखभाल करें, और उनके बनने से आसपास के जो वर्ल्ड जो अपना पूरा वर्ल्ड है उससे वो सेव हो सके। और अपन को सरकार से अपील तो करनी
करना चाहिए। वैसे तो हो चुका है जहाँ तक ये पक्का नहीं पता, लेकिन कि वहाँ पर टोटल बैन है, हो चुका है ये पक्का है, ये टोटल बैन हो चुका है पोर्चिंग का और एनी वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ने का अपने देश में, इंडिया में। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। एंड फ्रेंड्स, आपकी सुविधा के लिए हमने बुक की पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अपन आगे बढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की ओर। उससे पहले अपन देखते हैं कुछ प्रकार, जैसे कि मतलब जहाँ पर अपन को वाइल्ड लाइफ मिलती है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क एंड जूज। दैट जूज तो अपन को कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये थोड़ी रेयर जगह पर मिलेंगी। तो अपन बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर बढ़ते हैं। किसी ट्राइबल पीपल को सेव करने के लिए और पूरे वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे अंदर होता है कोर जोन, उसके आगे बाहर होता है बफर जोन, और उसके बाद होता है ट्रांजिशन जोन। जो कोर जोन होता है वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, मतलब कि अपन जैसे आउटसाइडर्स नहीं जा सकते, विजिटर्स नहीं जा सकते, बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मैन मैन जा सकते हैं। और जो बफर जोन है वो इसलिए बनाया गया है, यहाँ पर अपन जैसे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जा सके लोग, और टूर टूरिज्म मतलब लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता। और जो यहाँ पर ट्रांजिशन जोन होता है, वहाँ पर मतलब किसानों की खेती की जगह जमीन, वहाँ पर वो रहते हैं वो, और वहाँ पर ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, किसान कम रहेंगे, मतलब है तो वो भी, लेकिन ट्राइबल पीपल्स रहते हैं। अपने पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जैसे कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व आसाम में है ये, और अंडमान निकोबार में है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, एंड सुंदरबन ये वेस्ट बंगाल में है, काना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में, और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक चैलेंज है, अगर इस वीडियो पे सिर्फ 1 वीक के अंदर 30 लाइक्स आ गए, तो मैं इन 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स की थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस लेके एक वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में लाऊंगा, अगर इस वीडियो पे 30 लाइक्स आ गए। जैसे कि बंदे पढ़े थे कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अकेला वो ही नहीं, ये 3 जोन ही नहीं रहते, आसपास और भी चीज़ें होती है, वो अपन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। अपन ने एग्जाम्पल के तौर पे बुक में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का है, ये मध्य प्रदेश में है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंटेन्स 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड 1 नेशनल पार्क। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम है बोरी एंड पचमढ़ी सेंचुरी। जो अपन ने नेशनल पार्क के बारे में पढ़े थे, वो सतपुरा नेशनल पार्क के अंडर में, वहाँ पर एक टावर रिजर्वियर भी है, और जितने भी जैसे नाम दिख रहे हैं अपन को, जैसे बोरी, डैलिन, पचमढ़ी और पनारपनीगे, ये सब यहाँ पर सेटलमेंट्स हैं, ट्राइबल्स पीपल्स रहते हैं उनके सेटलमेंट्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब उसी जगह की वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए काम आता है। और इससे एक और फायदा है, इसके तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक और है कि जैसे नेचुरल हैबिटेट बना रहता है, जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट ही बना रहेगा वहाँ पर, गांव वैसे नहीं, मतलब गांव सिटी शहर नहीं दिखेंगे। इससे एक और फायदा है कि ट्राइबल्स पीपल जो है उनको उनके वो भी सेव हो सकते हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल और ट्राइबल पीपल की वो सेव हो जाएगी। बायोस्फीयर रिजर्व से अपन को अपॉर्चुनिटी
आजकल इससे साइंटिफिक रिसर्चेस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए जा सकते हो, तो टूरिज्म के लिए भी मिल सकती है तुमको इसमें बायोस्फीयर रिजर्व से। अपन बढ़ते हैं फ्लोरा एंड फौना। एक ही जगह के प्लांट्स और एनिमल्स जो उसी सराउंडिंग में पाए जाते हैं और कोई भी नेचुरली नहीं मिलेंगे, उसे फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। फ्लोरा जो प्लांट्स के लिए यूज होता है एंड फौना एनिमल्स के लिए यूज होता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के पास में जो फ्लोरा है उन सबके कुछ नाम दिए हैं, जैसे टी, जामुन, फर्न, मैंगो, अर्जुन, ये सब वहाँ के फ्लोरा है। और कुछ फौनास जैसे कि चीतल, वॉल्फ, लेपर्ड, ब्लूबेल, ब्लू बुल, बार्किंग डियर एंड वाइल्ड डॉग, ये सब फौना है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पे। एक फैक्ट है कि अपने वर्ल्ड में 6 लाख ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड एंड 4 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द पर्टिकुलर एरिया। मतलब ये सिर्फ उसी जगह ही मिलेगी, उसके अलावा कहीं और जगह पे नहीं मिलेगी। प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर सेड टू बी एंडेमिक टू दैट एरिया। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ एंडेमिक स्पीशीज है जैसे कि सेल एंड वाइल्ड मैंगो, इट टू एंडेमिक फ्लोरा ऑफ प्लांट्स एंड सम फौनास एग्जांपल गैंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल एंड बायसन। ये फौना के एग्जांपल्स हैं जो कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर एंडेंजरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एंड एंडेंजरिंग देयर एग्जिस्टेंस सॉरी इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो अपन अब बढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहाँ पर सिर्फ एनिमल्स का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पर ना ही कोई ट्राइबल पॉपुलेशन होती है और ना ही कोई घूमने की जगह, मतलब कोई भी नॉर्मल पीपल्स अलाउड नहीं होते। वहाँ पर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं की जाती है। अपन अब पढ़ते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम और वो कहाँ पर सिचुएटेड है। संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु में है, और ऐसी बहुत सारी है। अब यहाँ पर तो अपन को 10 दिख रही है लेकिन ऊपर लिखा है कि यहाँ पर 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ओनली इन इंडिया ओनली। तो अपन अब बढ़ते हैं इनके डिफरेंस के ऊपर, बायोस्फीयर रिजर्व वर्सेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो ज़्यादा बड़े एरिया में फैला होता है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है बायोस्फीयर रिजर्व के कंपेयर में छोटी जगह में होती है। बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो उसमें बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एरिया, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहाँ पर सिर्फ मेनली वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है या उनको ही रखा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें लोकल पीपल और ट्राइबल्स, लोकल पीपल जैसे कि ट्राइबल्स होती है बायोस्फीयर रिजर्व में, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनका कोई भी काम नहीं है, इनको मतलब नहीं रखते। जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है वो बायोस्फीयर रिजर्व में अपन ने जैसे पढ़े थे वो उसमें चलती है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें ह्यूमन एक्टिविटी नहीं चलती। बफर जोन में बायोस्फीयर रिजर्व में बफर जोन में ह्यूमन एक्टिविटी होती है लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं होती है, ये इसके मेन डिफरेंसेस हैं। अपन पढ़ते हैं जू के बारे में। जू एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपन को बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स मिलेंगे जो अपन को आउटसाइड ऑफ इंडिया और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड से मिलते हैं।
और जू का फुल फॉर्म है जूलॉजिकल गार्डन। जू में सब जानवर एक पिंजरे में कैद होते हैं, जैसे कि अपन पीपल्स उनको ज्यादा पास से देख पाए, उनके बारे में रिसर्च हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपन बढ़ते हैं नेशनल पार्क की ओर। नेशनल पार्क होता है जो बहुत बड़े एरिया में फैला होता है, जो बहुत सुंदर भी होता है, और वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जिससे कि फ्लोरा और फौना प्रिवेंट हो सके। यहाँ पर अपन को बहुत सारी हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स भी मिलती है एट अ पर्टिकुलर एरिया में, और वहाँ पर लोगों को आना अलाउ है। वहाँ पर जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ये सब वहाँ पर अलाउ नहीं है, और साथ में जो रिस्ट्रिक्टेड है जैसे कि माइनिंग, हंटिंग और फिशिंग एक्सेट्रा, ये सब प्रोहिबिटेड है। इंडिया में मोर देन 80 नेशनल पार्क्स हैं, उनमें से कुछ अपन पढ़ते हैं अभी उनके नाम। कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सुंदरबंस, ये सब अपने इंडिया में है और 80 से ज़्यादा है। तो अपन अब बढ़ते हैं एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क के ऊपर, उसका नाम है सुत्रन नेशनल पार्क। सुत्रन नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, वो फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया। वहाँ पर कुछ खासियत है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग्स, वहाँ की खासियत है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पर टाइगर्स की बहुत स्पीशीज बहुत कम है, तो मतलब वहाँ से अपने फॉरेस्ट से जाने लग गई है स्पीशीज टाइगर की। तो इंडिया में 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर नाम से स्टार्ट हुआ था, जिसमें टाइगर्स को बचाना था, टाइगर्स को सेव करना था, उनको मेंटेन अच्छे से करके रखना था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 1972 में, और 28 टाइगर रिजर्व है इंडिया में जो प्रेजेंट है 80 में से, वो प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर काम कर रहे हैं अभी। उसमें से 17 टाइगर रिजर्व भी एक बार लॉयन एलिफेंट वाइल्ड बफेलोज एंड बारहसिंगा नेशनल पार्क में लिखे थे, लेकिन उसके बाद इलीगल एक्टिविटीज के चलते हुए वो सब अगली बार तो नहीं दिखे, अगली बार वहाँ पर नहीं दिखे। तो अपन बढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच में डिफरेंस पे। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो ज़्यादा सुंदर नहीं होती है दैन कम्पेयर टू नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ज़्यादा सुंदर होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का ये नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाता है, वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। और नेशनल पार्क में वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ रहती है, और वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, वहाँ पर हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी जानकारी। अब जो नेशनल पार्क्स होते हैं वहाँ पर लोगों का आना भी अलाउ रहता है, उनका हंसी मजाक सब अलाउ रहता है। वहाँ पर एजुकेशनल रिसर्चेस के लिए भी लोग जाते हैं। अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहाँ पर अलाउ विजिटर्स अलाउ नहीं है, लेकिन जो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर विजिटर्स अलाउ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो अपन अब बढ़ते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज के ऊपर। तो दोस्तों, जो सबसे पहले अपन आपको जो भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज के नाम पता है वो सब आप कमेंट में लिख दीजिए। तो अपन बढ़ते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होती है। जो स्पीशीज पूरी डाइड आउट हो चुकी है, मतलब कि अपने अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती है कहीं पे भी, वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहलाती है। मतलब कि वो फैमिली के कोई भी मेंबर नहीं बचे हैं और जो लास्ट भी नहीं बचा है। जैसे कुछ एग्जांपल, डायनासोर, डोडो, केव लायन, एजिस डियर। अपन बढ़ते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो स्पीशीज मतलब ये स्टेज है एक्सटिंक्ट होने से पहले, एक्सटिंक्ट होने के पहले एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है वो,
जैसे कि एट दिस टाइम में टाइगर स्नो लेपर्ड है, अपन आगे बढ़ हाँ आगे पढ़ेंगे। जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली है वो कहलाती है एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब कि उस फैमिली के कुछ मेंबर्स बचे। अपन पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, जैसे कि टाइगर स्नो लेपर्ड, ग्रेट इंडियन राइनोसोरस, डेजर्ट कैट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब अपन को ये जानना कि जो छोटे एनिमल्स हैं वो बड़े एनिमल से ज़्यादा ज़्यादा एक्सटेंट होने की तदार पे, मतलब कि एंडेंजर्ड होने वाली है, जैसे कि स्नेक्स, फ्रॉक्स, लिजार्ड्स, बैट्स, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। अब लोग इनको ये सोच के मार देते क्योंकि अपने को अपना सिस्टम बिगाड़ रहे, लेकिन उनको नहीं पता कि इको सिस्टम इनकी वजह से अच्छा होता है। तो अपन एक पढ़ते हैं पर्टिकुलर एनिमल के ऊपर, जो स्नेक है। जैसे कि अपन को पता है कि स्नेक्स अपने इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा काम के हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता, तो लोग इनको मारते हैं। और जैसे कि इसकी जो स्किन है उसका लेदर बहुत अच्छा लगता है, तो लोग इसे मार के बेचते हैं मार्केट्स में। तो और ये अच्छे दामों में, अच्छे प्राइजेस में बिक भी रहा है, इसलिए लोग इसे खरीद भी रहे हैं, तो इसलिए स्नेक्स को मारा जाता है। और इसी के साथ में स्नेक्स फार्मर्स के फ्रेंड्स भी होते हैं, क्योंकि वो रैट्स माइस जो फसलें को ख़राब करती है वो उनको भी खा लेते हैं। तो अपन बढ़ते हैं अब रेड डाटा बुक के ऊपर। रेड डाटा बुक एक किताब है जो ऑल रिकॉर्ड्स रखती है ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज का, एनिमल्स, प्लांट्स, अदर स्पीशीज जो भी है। तो इसके अंदर ऑल जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं वो सब स्पीशीज के बारे में पढ़ा लिखा रहता है, और जो भी एवरीथिंग डिटेल्स में रहती है। अभी रेड डाटा बुक के अंदर कुछ स्पीशीज के नाम लिखे हैं, जैसे कि फ्लाइंग स्क्विरल, बारहसिंगा, ये कुछ। हाँ, और ये इससे अपन को एक और फायदा हो जाता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उनको ये पता चल जाता है कि इस स्पीशीज कम है तो एंडेंजर्ड हो रही है, तो इनको वो ज़्यादा ध्यान देते हैं इसके ऊपर। तो अपन बढ़ते हैं माइग्रेशन के ऊपर। अब जो माइग्रेशन होता है वो बर्ड के द्वारा किया जाता है, एक प्लेस से दूसरे जाना, दूसरी जगह पे जाना सीजन को देख के। अब ये जो बर्ड्स रहती है, जैसे कि अपन विंटर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अपन जब बाहर, मतलब जैसे अपन बाहर घूमते हैं ज़्यादा ठंड लगती है, और वैसे ही अपन को अपने नॉर्मल टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा ही गर्मी ना हो और ना ही ठंडी हो, वहाँ पर अपन घर आ जाते हैं। ऐसे मैं अपने मन से बता रहा हूँ। तो हाँ, तो मुझे पता है थोड़ा सा सेंसलेस है, लेकिन तब भी समझ आ जाएगा आपको। तो ऐसा करते हैं बर्ड्स, तो ये बर्ड्स कहलाती है आर्ट माइग्रेशन की बर्ड्स रहती है, वो माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाती है। इसमें से मोस्ट पॉपुलर है साइबेरियन क्रेन, जो साइबेरिया से अपने इंडिया में आती है ठंडी के सीजन में, और वो रुकती है भारतपुर जो राजस्थान में, सुल्तानपुर जो हरियाणा में है। अब अपन बढ़ते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब पेपर कैसे बनता है? पेपर बनता है वुड पल्प से, जो मिलता है वुड से, और वो फॉरेस्ट में उगते हैं, इसलिए अपन को फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। हाँ, अब जो 13 फुल ग्रोन ट्रीज है जो पूरे बढ़ चुके हैं, उनको काटने के बाद एक टन ऑफ पेपर बनता है। और अगर अपन सीधे साधी कैलकुलेशन करें तो 1 लाख पेजेस A4 साइज के अच्छे बन जाएंगे अगर 1 टन ऑफ पेपर। तो अपन को ट्री सेव करना पड़ेंगे, पेपर सेव करना पड़ेगा जैसे ट्री सेव होंगे।
रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का मतलब ये होता है कि वही पेपर को अपन यूज़ करो, उसको फेंको मत, फाड़ो मत, मतलब वेस्ट मत करो, उनमें से अपन इंक निकाल के वापस उनको यूज़ कर लो। एक फैक्ट की बात है, जैसे कि अपन अगर एक पेपर को रिसाइकल करें तो वो 5 to 7 times वापस यूज में लिया जा सकता है। तो अगर अपन पेपर को सेव करेंगे तो उससे अपनी फॉरेस्ट कटना कम होगी, वाटर जो लगता है पेपर बनाने में वो कम होगा, एनर्जी लगती है इलेक्ट्रिसिटी वो सब कम होगी, और हार्मफुल केमिकल्स जो लगते हैं वो भी कम होंगे। तो अपन को ट्रीज पेपर सेव करना चाहिए जिससे ट्रीज सेव होंगे। तो अपन बढ़ते हैं रिफॉरेस्टेशन। पेपर को सेव करने के साथ ट्रीज को सेव करने का एक और इलाज आ गया, रिफॉरेस्टेशन। ठीक, जो ट्रीज एक ही एरिया के एक ही प्रकार के ट्रीज पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए उन्हीं को वापस से उगाना, वो कहता है वो कहलाता है रिफॉरेस्टेशन। ये रिफॉरेस्टेशन अपने आप भी होता है और अपन इंसानों द्वारा भी किया जाता है। इसका यही होता है कि अपन वापस से ट्रीज को उगाना, मतलब वापस से कटे हुए फॉरेस्ट को वापस से उगाना, जैसे कि अपन फोटो में समझ सकते हैं। और इसमें भी अलग पेड़ नहीं उगेंगे, जैसे कोई और पेड़ स्पीशीज और कोई और उग गया, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें एक ही स्पीशीज के पेड़ उग जाते हैं। तो अपन पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिफॉरेस्टेशन। जो रिफॉरेस्टेशन होगा उससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और उसी से अपन को कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी एटमॉस्फेयर से, तो एनवायरनमेंट हैप्पी। रिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन और फ्लड्स नहीं होंगे, इससे रेनफॉल, जहाँ पर ज़्यादा ट्रीज लगे होंगे वहाँ पर रेनफॉल अच्छी होगी, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि और नए वीडियोस बनाए। और ऐसे ही हमारे नए नए वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।